लालन पालन जिनकी संस्कार शाश्वता जिनकी शुचिता जिनके राशिद कलवे जी भारत माता मंदिर के महंत स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज विश्व प्रसिद्ध उद्यमी देश व विदेश से जो भी यहाँ पधारे हैं उन सभी का ये पावन मंच हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आरएसएस के सह सरकार्यवाहक माननीय कृष्ण गोपाल जी भी हमारे मध्य में पधारे हैं। मैंने पहले ही बताया कि ये श्रद्धांजलि सभा आज ऐसी एक दिव्य सभा है जिस सभा ने सर्वप्रथम तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अपने अपने यथावत स्थान को ग्रहण करें। जितनी भी माते बहनी खड़ी हैं मैं उन मातृशक्ति से भी प्रार्थना करूंगा कि आप यथावत अपने स्थान पर विराजे। युवा शक्ति और जो बाहर पंडाल के बाहर जो लोग घूम रहे हैं लेकिन ऐसे दिव्य महापुरुष के लिए मातृ देवो भव पितृ देवो भव माता पिता का जो स्थान है वो देव तुल्य स्थान है। इसलिए मातृ पितृदेव भव की उस पद्धति को आज हम यहाँ सभी लोग शाश्वत रूप देख रहे हैं कि आचार्य श्री ने अपने पूज्य पिताश्री ब्रह्मलीन डॉक्टर क्योंकि पूज्य श्रद्धेय ब्रह्मलीन पंडित महावीर प्रसाद जी वे एक दिव्य विभूति थे और 100 से अधिक आयु पाना और वह भी जैसे वेद में कहा पवित्रेण शतायु सह। एक तरफ हम वेद में प्रार्थना करते हैं ओम तत्चक्षुर्देव हितम पुरस्ता छुत्रमुच्चरत पश्येम शरद शतम जीवेम शरद शतम शृणयाम शरद शतम प्रप्रवाम शरद शतम अदीना श्याम भूयश्च शरद सदा। और 100 से अधिक वर्ष जीना ये जीवन की पूर्णता जिस निजता पूर्णता और दिव्यता की बात का उद्घोष हमारे उपनिषदों में ऋषि करते हैं और इसी के गीत हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज गाते हैं। पूर्णमदाह पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे जीवन में जिनके दिव्यता और पूर्णता और 100 से अधिक वर्ष की आयु प्राप्त करके और वहां भी गौरवपूर्ण स्वस्थ आयु प्राप्त करके और सबसे बड़ी बात इस धरा थाम्पा ऋषि परंपरा का एक शाश्वत का प्रतिनिधि दे करके इस भारत माता के ऊपर उन्होंने बहुत उपकार किया। इसलिए आज की श्रद्धांजलि सभा में उनका अभिनंदन करते हैं। हम तालियां बजा करके कोई शोक सभा नहीं है ये उत्सव है। शोक तो किसी की जवान बेटा बेटी की मौत पर मनाया जाता है तो मैं देखता हूँ कुछ लोग अभी इस चक्कर में हैं कि हम शोक आकुल दिखे की परंपरा में हमारा श्री जी आचार्य श्री जी हमारे हिम्मत नहीं पड़ती है नाम लेने की लेकिन महाराज श्री जी को नमन। योग ऋषि हमारे अध्यक्ष आज की सभा के रामदेव जी महाराज जी को नमन दीदी को प्रणाम और मंच को नमन करते हुए सभी संतों को नमन करते हुए सीधे अपनी बात पर आता हूँ। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते परा। जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा कि अगर किसी को देखना है अगर हमें उस दिव्य शख्सियत को उस व्यक्तित्व का अगर हमें परिचय प्राप्त करना हो तो हमें महाराज श्री जी उनके रूप में ये विराजमान है लेकिन ये परिचय प्राप्त कब होता है ये हमको कठोपनिषद में नचकेता के माध्यम से यमराज ने बड़ा सुंदर कहा अणुरणीयां महतो महीयां नात्मस्य जंतुरणे हतो गुहायां तमक्रतो पश्यद्वीत शोको धातु प्रसादान महिमात्मान महामना। अर्थात वह स्वरूप पिता वही आत्मा जो पुत्र हो पिता वह पुत्र के रूप में पुता पुनः पिता बनता है लेकिन कब धातु प्रसादान जिसको आज के समय में डीएनए कहा जाता है जिसको आज का विज्ञान कहता है कि आप उस डीएनए को काट नहीं सकते समाप्त नहीं कर सकते मार नहीं सकते गला नहीं सकते उसी को हमारे यहाँ पर धातु प्रसादान अर्थात उसी धातु का परम तत्व आत्म तत्व कहा गया आत्मा कहा गया
गया, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति भावका, आत्मा न कटता शस्त्र से है आग से जलता नहीं, सूखे न आत्मा वायु से जल से कभी गलता नहीं। और उसी दिव्य आत्म स्वरूप को आज हम सब लोग यहाँ पर प्रणाम करने के लिए इस समय पर हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। ऐसी दिव्य आत्म स्वरूप को मेरा प्रणाम है, वंदन है। लेकिन उस आत्म स्वरूप का अगर हम लोग ज्ञान करें, वह आत्मा कितना बड़ा है, कितना विशाल है, उसी को हमारे यहाँ नचिकेता को यमराज ऋषि ने कह दिया बड़ा सुंदर। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो वह यह है कि आप अपने सर का एक बाल लीजिए, उस बाल के 1000 टुकड़े करिए, उस 1000वें टुकड़े के आप 100वें टुकड़े जब आप करेंगे तो 100वें टुकड़े में भी वह आत्म तत्व विराजमान रहेगा। ऐसे उस दिव्य आत्म तत्व को मेरा प्रणाम है, ऐसे दिव्य आत्म तत्व को मेरा प्रणाम है। सबसे प्रमुख बात, महर्षि जी के समक्ष तो हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप तो साक्षात वेदस स्वरूप हैं, ज्ञानस स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ऐसे परम तत्व के जब हम पिताजी की, हम जनक की जब हम बात करें तो हमें ये गर्व होता है कि हमारे संस्कृति को ऐसे दिव्य तत्व की प्राप्ति कराने वाला, जैसा कि अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा कि अगर उसको जानना हो तो आप लोग यहाँ दर्शन कर सकते हैं, कितनी तपस्या नहीं की होगी उसने, उस व्यक्तित्व ने कितनी तपस्या नहीं की होगी, कितनी साधना नहीं की होगी, तब कहीं जाकर के हमको आज सनातन धर्म के तत्व को, मर्मज्ञ को जानने वाले ऐसे दिव्य तत्व की हमें प्राप्ति हुई। ऐसे महावीर प्रसाद जी को मेरा प्रणाम व नमन व वंदन है। वैसी वाणी के साथ भगवान बाबा मन कामेश्वरनाथ जी उनको अपने चरणों में सानिध्य दें। मैं यहीं से अपने शब्दों की भावांजलि, अपने शब्दों की शब्दांजलि यहीं पे मैं उन्हें प्रणाम करते हुए बाबा मन कामेश्वरनाथ जी से यही प्रार्थना कि बाबा मन कामेश्वरनाथ जी उन्हें अपने चरणों में सानिध्य प्रदान करें और दिव्य तत्व को अपना सानिध्य दें। धन्यवाद।